महाराजा T20 लीग में 22 साल के देवदत्त पाटिल ने किया ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराजा ट्रॉफी का क्वालिफायर दूसरा मुकाबला मैसूर वॉरियर और गुलबर्ग मिस्ट्री के बीच खेला गया, जहां पर देवदत्त पाटिल ने किया शानदार बल्लेबाजी। आपको बता दें कि मैसूर वॉरियर के खिलाफ खेले गए इस मैच में देवदत्त पाटिल 158 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरे थे, जिसमें उन्होंने आते ही मैसूर वॉरियर के गेंदबाज पर दबाव बनाया और मात्र 39 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। और अगर देवदत्त पाटिल के इस मैच के पूरे स्कोर की बात करें तो देवदत्त पाटिल मात्र 64 गेंद में 8 चौके और 5 छक्के की मदद से 96 रन के नवाब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया, जिसके मदद से गुलबर्ग मिस्ट्री की टीम 19.4 ओवर में 158 रन बनाकर यह मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम कर लिया और फाइनल में जगह बना लिया। आपको कैसा लगा देवदत्त पाटिल का बैटिंग, कमेंट में जरूर बताएं।